आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं निशांत गौतम, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। हमारे लेटेस्ट न्यूज को देखने के लिए टाइप करें www.kmasnews.com। सोशल मीडिया पर देखने के लिए टाइप करें के मास न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज, मैं इसरा रहा हूँ। इस समय मौजूद हूँ अम्बिकापुर जिले के देवास थाना के पास। यहाँ पे कुछ महिलाएं और पुरुष भी आए हुए हैं, जानकारी लेते हैं आखिर किस लिए यहाँ पे आए हुए हैं और क्या समस्या इनकी है। आइए 19 के पास चलते हैं, उनकी जवाएं सुनते हैं आखिर क्या समस्या। हर जगह कारण सुनवाई ना हो तो शायद गरीब आदमी कहाँ से बनवाई पाए। क्या नाम है बाबू आपका? लालचंद। लालचंद, बताइए क्या मामला है और आप लोग कहाँ आए? सर मैं थाने बेवाने आया हूँ, ग्राम बालोलपुर के रहने वाला हूँ। सर मामला ये दबंग बनाई है हमारा, जमीन की जबरदस्ती। कौन दबंग है, क्या नाम है? सर दयाराम, राजन और सेवा। हाँ। ये तीनों दबंग बनाई है, बाहरी मनाई बुला लेते हैं रात में। हाँ। मारपीट करके हमको कचहरी देते हैं, हमारा घर तोड़ डाले हैं। हमारे थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आपने थाना प्रभारी थाना बेवाना को सूचना दिया कि नहीं? जी सर दिए थे। क्या क्या रिस्पांस मिला? कुछ रिस्पांस नहीं मिला सर, डांट के भगा देते हैं। थाना बेवाना में जब जाते हैं हम देने एप्लीकेशन, हमारी सुनवाई नहीं होता। कैसी जमीन है सर? जमीन हमारा आबादी है। अच्छा, आप वहाँ पर निर्माण उर्माण हुआ है, घर बना है? जी हमारा घर बना हुआ है सर। यानी आपके घर के सामने जो है? हमारे घर के सामने आगे कब्जा करने वो हमारा रास्ता है। हम निकलने नहीं देते हैं, रात निकलते हैं सर, वो लोग कहते हैं गोली मार दूंगा। हम सर उधर उधर रहते हैं, दूसरे घर का भी इस घर रहते हैं। अभी आप कहाँ रहते, कहाँ हैं? अभी हम बालोलपुर में हैं सर। जैसे अपने घर पे रहते हैं या कहीं और रहते हैं? अभी नहीं रहते सर, सर हम किराए पर रह रहे हैं, अपना चार चार बच्चे लेके गुजारा कर रहे हैं। नहीं रहने दे रहे हैं ये लोग, और घर बनवा रहे थे, घर भी रुकवा दिए हैं। करकट रखे थे, करकट ईट पत्थर तोड़ दिए बिल्कुल। कहाँ पे रहे चार बच्चे, हम ठंड में लेके कहाँ रहेंगे? इसलिए हम किराए पे लेके। यानी वर्तमान समय में आपको रहने के लिए छत नहीं? नहीं, नहीं रहे। तो क्या इसकी सूचना आपने उच्च अधिकारियों तक दिया कि नहीं? सर हम SDM मतदान साहब ले गए, सबके पास हमें एप्लीकेशन डाल दिए, सब हमारे पास इसका वो है, रिपोर्ट भी है और सबूत भी है सर। कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर, इतना देखिए एप्लीकेशन डाले हैं, हर जगह डाल दिए हैं, लेकिन कोई वो नहीं हो रहा। नेपाल भी दो बार आए, मना करके गए, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे हैं। दबंग आदमी और लाठी डंडा लेके जबरदस्ती पिल्लर गाड़ दिए हमारे घर के सामने। यानी आपके घर के सामने जबरदस्ती लगा दिए, पिल्लर गाड़ दिए हैं सर, और रोकने जाओ तो ये मारने के लिए दौड़ा लेते हैं सर। कोई है भी नहीं हमारे साथ, बुड्ढे हम दोनों लोग हैं, बताओ कैसे हम रहेंगे घर? रहने नहीं दे रहे, किराए पे लेके रह रहे हैं चार चार बच्चे, तीन लड़की है एक लड़का है सर। ये मामला कब से चल रहा है आपका? सर कब से कम नवरात्र से शुरू हुआ था सर, अंदर तुड़वाने लगे तब ये लोग नहीं बोले। हमारी सास को इंदिरा आवास योजना मिला था, तब बहुत पुराना हो गया था, चूर आता, इसलिए हम उसको तोड़ के बनवाने लगे। ये लोग जबरदस्ती मान नहीं रहे, कब्जा कर रहे हैं, पैसे वाले हैं। पानागढ़ इनका चार चार करान चल रहा है सर, हुआ क्या बोलते हैं इनके, कबाड़ी की दुकान भी है सर, पैसे वाले हैं, दबंग आदमी हम क्या करें, गरीब है। यानी आपकी सुनवाई कहीं नहीं? कोई नहीं सुनवाई हो रही है सर। क्या आपने अपने जिले के DM SDM सर सबके पास दे दिए हैं? DM SDM कप्तान साहब सबके पास दिए, थाना में भी काफी एप्लीकेशन डाले, हमारा ताला तोड़ के भी पैसे लोग निकाल के लेके चले गए हैं। यानी आपका FIR दर्ज नहीं किया गया? सर दर्ज नहीं किया गया सर, आपके 112 पे भी एक दिन छह बार फोन किया हम लोग, पुलिस आई और मना करके भी गई, ये लोग मानते नहीं, फिर जल्द काम शुरू कर देते हैं, नहीं मान रहे हम क्या करें सर। हम बहुत मजबूर हो चुके हैं, कहाँ जाए, दर्ज छोड़ के करके चले जाओ, धमकी देते हैं। दादा आपके आँख के पास कैसे चोट लगी है, क्या है निशान आपके आँख के पास है, कैसे आई? मार दिया था। किसने मार दिया? दयाराम का बेटा सेवा। अच्छा, सेवा में वो बने रहे, राजन रहे, सेवा रहे, दयाराम रहे, आशा रहे, सब रहे भैया। आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो जगह हमारी, हमारे इनके बाबा दादा के काफी पुराना है वहाँ, पुश्तैनी मकान है, मना करते हैं पूरा पटीदार। किसी से भी आप पूछ लीजिए, यहाँ से चौराहे तक गांव तक सारे बताएंगे कि किसका जमीन है, कितने पैसे वाले हैं, कितने अमीर आदमी। आपकी सुनवाई कहीं नहीं हो? नहीं हो रहा। क्या आपने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर फोन किया कि नहीं? सर किए थे, वहाँ पे भी किए थे सर। क्या हुआ सर? फोन किए थे, कह रहे आप थाना में जाइए, यहाँ एप्लीकेशन दीजिए, वहाँ दीजिए, सारी जगह दे दी, फिर भी सुनवाई नहीं हो रही सर, क्या करें? यानी आपको न्याय नहीं मिल पा रहा? नहीं मिल रहा सर। योगी राज में, जबकि योगी राज में गरीबों को शोषितों को न्याय दिलाने का काम करते, लेकिन फिर भी आप जो दर दर भटक रहे हैं, कोई न्याय नहीं, गरीब पैसे वाले की सुनवाई हो। अगर आपको न्याय नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे?
अगर आपको न्याय नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे? हम फांसी लगा लेंगे, मर जाएंगे सर यहीं पे, मतलब जमीन नहीं देंगे हमारे, उसके अलावा कुछ भी नहीं है सर, वही उतना जमीन है सर, या हम फांसी लगा लेंगे या हमको न्याय चाहिए सर। शासन प्रशासन से आपको कोई न्याय नहीं मिल रहा सर, पुलिस थाने वाले भी कोई न्याय नहीं कर रहे सर, उन्हीं के दौर भाग करते हैं सर, हमको डंडा लेके खोज रहे हैं, पाते हैं, कहते हैं बंद कर दूंगा, उठा के बंद कर देते हैं, कहते हैं बंद कर देंगे बापू जो सर तुम्हें बनवा लेना वहाँ। कितने बच्चे आपके पास? सर चार बच्चे हैं हमारे। आप ऐसा करें कि मैं अगर मुझे न्याय नहीं मिलता फांसी लगा लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे, क्या करें सर? बच्चे लेके कहाँ जाएंगे सर? तीन तीन छोकरी है सर, एक छोकरा है, उसके अलावा बताओ सर हमारे पास कोई जमीन नहीं कि मैं आगे वहाँ जाके रह लूँ सर, वही जमीन है, इसके अलावा बताओ मैं कहाँ रहूँगा, चार चार बच्चे कहाँ भटकूंगा सर बच्चे लेके? मजदूर आदमी है कोई नहीं, हमारी सास दूसरे के घर बर्तन उर्तन धोती है, मजदूरी का काम करती है। हम जान दे देंगे, हमको अन्याय चाहिए सर, चाहे जैसे चाहिए सर। हम महिला रखा है, हमारे आप हमारे चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या संदेश देना चाहते हैं न्याय के लिए? हम तो यही कहेंगे कि हमारी सुनवाई कीजिए, हम गरीब हैं, आप लोग नहीं सुनवाई करेंगे हम कहाँ जाएंगे, हमारी सुनवाई आप लोग से सबसे निवेदन है कि हमारी सुनवाई कर लीजिए आप लोग, चाहे कोई भी हो, और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से सबसे निवेदन करती हूँ हाथ जोड़ के कि मेरी सुनवाई करें, हमारे ऊपर छत, हमारे घर के ऊपर छत दीजिए, हमारा घर बनवाने का ऑर्डर दीजिए, और उनके खिलाफ कार्रवाई करिए जो हमारा जमीन जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, दयाराम, उनके पुत्र राजन और सेवाराम से, और हमें मारने पीटने से हमारी जान को रक्षा कीजिए, हमें धमकी देते हैं मारने दिए जान, और सोच के हम मजबूरन बाहर रह रहे हैं, घर पे भी नहीं रहते हम सर। यानी आप लोग इतने डरे और सामे हैं कि घर भी छोड़कर आप बाहर रह रहे हैं? घर छोड़कर घर पे जाते हैं, दौड़ा लेते हैं, रास्ते से निकलने दे रहे हैं सर, हमारा घर पे रास्ते से लाठी डंडा गोली मार देंगे सर, बताओ हम क्या करें, हमारे पास बच्चे हैं सर, अगर हम मर जाएंगे हमारे बच्चे का कौन पालेगा सर? और न हमारे पास खेत है न कुछ, वही खाली जगह है, घर जा रहे हैं और कुछ नहीं हमारे पास इसके।